शंखनाद करते हुए शुरू करे सत्काम को, जलता रहेगा दीप आपका हर सुबह शाम को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे, आपके परिवार वाले सभी आपके साथ होंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज मैं जो क्यों बोला है जो वो शंख के ऊपर है, तो शंख से क्या मतलब है मेरा? दोस्तों जैसा कि हम रोज़ ही सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं, इस बीमारी ने लोगों को इस तरह से जकड़ा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन ज़िंदा बचेगा और कौन ये शरीर छोड़ जाएगा। बहुत ही कम उम्र में लोग शरीर छोड़ कर जा रहे हैं। जो कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो थोड़े दिन में हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है वो धीरे 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 वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है, और वेंटिलेटर के बाद होने के बावजूद भी, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो इंसान ख़त्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक विचारणीय ज्ञान आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी हाँ, आपका वेंटिलेटर आपके अपने घर में ही है। जी, आज की मेरी इस वीडियो में बहुत ही सुंदर ज्ञान मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जो कि मैंने आज ही पढ़ा। जी हाँ, वो सस्ता वेंटिलेटर है शंख। तो आज हम इस वीडियो में शंख के अद्भुत फ़ायदे जानेंगे। शंख के इतने सारे फ़ायदे हैं कि वो एक ही वीडियो में तो हो नहीं सकते, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित जो फ़ायदे हैं वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका दिल चाहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारतीय परिवारों और मंदिरों में सुबह और शाम शंख बजाने का प्रचलन सदियों पहले था और आज भी है, परंतु इस पुरातन परंपरा को आज शायद हम भूल गए हैं, या इस अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य को भौतिकवाद ने भुला दिया है, इसलिए शंख केवल प्रदर्शनीय रह गया है। लेकिन अगर हम रोज़ शंख बजाते हैं ना, तो इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत लाभ हो सकते हैं। तो प्रस्तुत है कुछ अद्भुत फ़ायदे, जिनको अगर आप अपने ऊपर आजमाएं तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पहला फ़ायदा, शंख बजाने से श्वास की क्षमता में सुधार आता है। इससे हमारी थायराइड ग्रंथियां और स्वर यंत्र का व्यायाम होता है, और बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को ठीक करने में मदद मिलती है। दूसरा फ़ायदा, जो कि महिलाओं से संबंधित है, आजकल की महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी कि जरा सी उम्र बढ़ती नहीं कि चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। सो लेडीज़, नो प्रॉब्लम, डोंट टेक टेंशन, शंख है ना। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियाँ घटती है। तो आज से ही शुरू करते हैं शंख बजाना। तीसरा फ़ायदा, शंख बजाने से तनाव भी दूर हो जाते हैं। जी हों दोस्तों, जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें शंख ज़रूर बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग के सारे विकार या नकारात्मक बातें दूर हो जाती हैं। घर के अंदर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ भी डर कर दूर भाग जाती हैं। जिन घरों में सुबह शाम नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, उन घरों में ना तो कोई बीमारी होती है और ना ही कोई नकारात्मकता आती है। चौथा फ़ायदा, शंख बजाने से दिल का दौरा भी नहीं आता, उससे भी बचा जा सकता है। जी हाँ, जो लोग नियमित रूप से शंख बजाते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता। शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इसी तरह बार बार सांस भरकर छोड़ने से फेफड़े भी स्वस्थ और स्ट्रांग रहते हैं। एक और बात,
शंख बजाने से योग की तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं। जी हाँ, कुंभक, रेचक और प्राणायाम। तो इसी तरह से आपने शंख भी बजा लिया और योग भी कर लिया। पांचवा उपाय, शंख से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अब आप सोचेंगे कि शंख तो कोई खाने की चीज़ है नहीं, फिर उससे हड्डियां कैसे मजबूत होंगी। मैं बताती हूँ, शंख के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, गंधक और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शंख को बजाएं नहीं, उसमें पानी भरकर रात भर रखें और सुबह उसका सेवन करें। इससे आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी ही, साथ के साथ आपके दांत भी स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। छठा और आखिरी अद्भुत लाभ, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना एक समान होती है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणु को नष्ट करता है और लोगों में ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि शंख फूंकने से इसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु केवल ध्वनि स्पंदन से ही मूर्छित या नष्ट हो जाते हैं। बर्लिन विश्वविद्यालय ने तो शंख ध्वनि पर अनुसंधान कर यह पाया कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने की सबसे उत्तम व सस्ती औषधि है। सुबह शाम शंख बजाने से वातावरण को कीटाणुओं से मुक्त किया जा सकता है, इसीलिए तो सुबह शाम शंख बजाने की परंपरा है। अतः इस परंपरा को कायम रखिए और प्रण लीजिए कि हम भी सुबह शाम शंख बजाएंगे। अगर सुबह शाम नहीं तो केवल एक समय ज़रूर बजाएं और अपने आप को स्वस्थ और इस बीमारी से मुक्त करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।